वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग घर में मस्त होंगे और भले जंगे होंगे। सुबह सुबह का दिन और सुबह सुबह की मिली आप सबको। मैं जो है बंद करूंगा, फुली पहनूंगा क्योंकि मेरे को लग गई है सर्दी और हो रहा है बुखार। और तीन दिन हो गए, मंडे को स्कूल गया था, उस दिन जो है क्या कहते हैं हल्का हल्का कम हुआ बुखार, फिर अगले दिन बारिश में भीग गया, फिर उसके बाद बुखार आना स्टार्ट हो गया। और भाई इतना आलस आ रहा है ना, फिर बुखार आने के बाद है ना मम्मी, ठंडा मौसम हो गया है ना बहुत ज्यादा, मुझे खुद आंखें भी सूज रही है। और जब कोचिंग जाऊंगा ना तो फुल कपड़े पहन के जाऊंगा, अभी तो घर में हूँ। और क्योंकि कोचिंग जाते लौट के आता हूँ कोचिंग से, तो भाई इतनी ठंड हो जाती है और स्कूटी पर ठंडा वाला लगती है, स्कूटी की स्पीड तेज होगी तो। मम्मी पे देखो ज्वेलरी का कलेक्शन, ये देखो ये तो सबको मालूम होगी कहाँ मिलती है, हरिद्वार में मिलती है। ये देखो तीनों हरिद्वार से लेके आई है। और देखो मम्मी पे चला रही है अपनी, कैसी लड़की है बताओ। 200 रुपए भाई, 200 रुपए कहीं ना लाई, 600 की परी है वो, मेरी सामने ही है ना। तीन मिल गए, तीनों के बारे में ऐसा कर जीवाली लगा लेना, एक एक जार में जीवालो मोती, एक जीवालो मोती। देखो बाहरी डिस्कशन चल रहा है कि ज्वेलरी कहाँ गायब हो गई। सही कह रहा हूँ मम्मी, इन्हें ना नहाने का हर ड्रेस पे एक एक दिन पहने का, इतनी सारी है तो कहीं पहन के तो अभी जाई ना, और इन है कि ना है तो घर में पहनो है ना, अच्छी भी लगेंगी। जो ऐसे ना मिले उन्हें ऐसे ही। ये देखो ये कानों के हैं, वो गले का हम पे तो आई ना कुछ भी। क्या लड़की क्यों नहीं है बिट्टू, लड़की होता कम होते पांच रही तेरी चुई चुई। सही है, सही तो ऐसे करके रख दे। खत्म नहीं हुए ये तो दिखा दिए, और ये और निकले हैं अभी उस वाले थैले में से, व्हाइट वाले में से। सेट मंगाया था मैंने पूरा। ये देखो कैसे इनके, देखो काकरोच पाकरोच टंग रहे हैं इसमें। अच्छा काकरोच ना है, दिल वगैरह है, सारे थे बटरफ्लाई के, स्टार के, सर्कल। आज तक पहनते हुए तो मैंने देखो ना है, ऐसे डाल दे ना है मम्मी, आज तक पहनते हुए ना देखो तुमने, इतना सारा कलेक्शन तो जमा कर लो। पहनते हैं कभी कभार, कभी कभार जब जाते हैं ना बाहर जो अच्छी लगती है, बिखरी दिखी हुई चीजें सामने सामने तो ले लेते हैं। भाई देखो मौसम बदलते टाइम ना मम्मी की आवाज चेंज हो गई और मेरे को तो सर्दी हो गई और बुखार सा भी लग रहा है। मैंने तो भाई बहुत देर तक सोया, आज सोया मैं 12 बजे तक, कल भी सोया था, कल 3 घंटे सोया स्कूल से आने के बाद, फिर कोचिंग गया, उसके बाद ठंड लग गई मेरे को, मेरी आंख में लग जाएगी पागल है। बिल्कुल बेकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है गिलहरी टंगा ली। ये से गलती हो है ना तो वो अरे यार करके दूसरे का नाम डाल देती है। देखो डिब्बा खुद ने गलत लगाया और मम्मी का नाम डाल दिया अरे यार करके, वो निकाल ले लो जा रखे। देखो कैसे पैक है माता जी, जाओ फिर जाओ। अभी तो ये नीचे वाला खाली, अभी तो बन में, अभी ये चले आओ। देखो नीचे वाला और बनना है ना अभी, टमाटर लाओ, टमाटर लाओ। सही कह रही है मम्मी, कमा के लाओ, टमाटर नहीं टमाटर, टमाटर लाओ। और भाई व्रत इनके चल रहे हैं और व्रत का खाना खाना मुझे पड़ रहा है, मेरा बिल्कुल मन खाने से ज्यादा। जब हम घर में हैं ही 3-4 जने तो हम जो बनाते हैं वो चैप देते हैं। क्यों चैप देते हो, मैं नहीं खा रहा, मेरे लिए अलग से कुछ बनाया करो। हाँ मिल लिया अलग से कुछ बनाया करो, मंगा दो जैसे कि जो बाहर ठेली पे वो ठूसता तो है तू। हाँ तो सही, देखो गाइस ना प्याज खा रहा है, नवरात्रियों में बाहर जा जा के प्याज की चीजें खाता है भाई। इनने इनकी गलती है ना, छोले के संग प्याज आ गई, इनको पता ही नहीं थी, मैं बिगड़े ही थोड़ी बताइयो, वो चीज हटा देती है तो मैं मालूम थोड़ी ऐसे प्याज खाता है। अच्छा बचपन से आज तक देखते हैं। हाँ तो वो तुम क्या खा रही हो बताओ, अभी बीच में रहे अभी तो इन्हें कही कि गाइस गोबर बहुत टेस्टी होता है, वो भी खाया करो। तो खा ले कर तू मेरी से कह रही। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण। मामा द्वारा कुछ नहीं हुआ, अभी पहले कर रहा हूँ ट्यूशन का काम, सर ने जो काम दिया वो कर रहा हूँ, 10 सवाल दिए मुझे वो करने हैं बैठ के, और फिर उसके बाद जाऊंगा नहाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है, बजने वाले हैं 2, टाइम हो रहा है अभी 1:56, लाइट जलाते हैं और बैठते हैं पढ़ने के लिए, याली बंद कर देते हैं। हाँ अब बैठूं पढ़ने के लिए। नाने के बाद अभी लौट के आया हूँ तो मम्मी बना रही है व्रत की पकौड़ियाँ जो कि है मेरी फेवरेट,
और ये देखो ये बनना स्टार्ट हो गया। कौन सी चीज फेवरेट नहीं है भाई साहब तुम्हारी जो खा? ये व्रत की फेवरेट है। तो तू कौन से बेच रहा है? तो मिलेगी तो सही, नहीं मिलेगी। आटा तो मैं लेके आया हूँ कल रात। पैसा तो हमने दे, आटा मैं लेके आया हूँ। मैं कदम से चल गया था ऐसे ऐसे। भाई एक लड़का ऐसा है कि इसकी स्कूटी में हर 8 घंटे बाद 200 रुपए का पेट्रोल पड़ता है। तू कह रहा है सही हो गई स्कूटी है? और का चला के देख क्या, ब्रेक ब्रेक सब सही है एकदम। हॉर्न वॉरन ना लग रहा भाई का, सब कुछ सही है। इस लड़के ने मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी है ना, उसमें हॉर्न है ना, उसमें ब्रेक है ना। ब्रेक तो सब कुछ है, आज ही टाइट करा के लाया हूं। 40 रुपए लाए मैंने ब्रेक टाइट करने के ही। मुंह बंद कर ले ना, उसमें कभी पेट्रोल लेता है वो पता, इधर चलाती हूँ तो इधर भागती है, सीधी तो कभी जाती नहीं है। तो भाई पापा की परी तो कह ला जाएगी तो चलाऊंगी। तो भैया भी कह रहे थे जैसे मगरमच्छ भैया भी कह रहे थे कि साले स्कूटी स्टॉप कर दी। पूछ रॉन्ग यस मम्मी, आप क्या बोल रही हो? मम्मी की तरफ फोकस करो। यस आप क्या बोलना चाहती हो? मैं अपनी लड़की के लिए नई स्कूटी लाऊंगी है ना, अगर तूने उस पे हाथ रख दिया तो तेरी जे खाल है ना, ऐसा गोरो चिट्टो कर दूंगी खाल से लड़के। लग रही ना मेरे जे, अब कछु कहोगी ना कछु कोई बात। ओ ओ बेटा भी सीधा फूट गया तू। अरे हाथ लो डारो समाज इधर भगवान छोड़ रही हूँ बेटा। कोई बात नहीं दीदी, तू ऐसी आगे बढ़ती रहे। ओहो 5000 सब्सक्राइबर है गए यूट्यूब पे। मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे तो अभी 2 आए हैं, 5 कर ले। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये लड़का 1 साल से मेहनत कर रहा है पर इसके 1000 सब्सक्राइबर भी रो रो के हुए हैं और हम लोगों ने मान लो 2 हफ्ते हुए हैं। इसके अब 3000 साहिल के 3000 होने वाले हैं और हमारे हो गए 5000 और बढ़ती जा रहे हैं। और पता है क्यों? क्योंकि अब तक लोग ये गलतफहमी में थे कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। नहीं, लेडीज फर्स्ट। जब हमारी मातृ भारत माता हम सब पूजते हैं तो स्त्रियों को पूजा जाता है, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर बार-बार चिड़ गया ना अपनों से चढ़ा नहीं आता। ठीक है ना, रखिया ही तो ली इस जलन को रखिया जब तक, अब हम तुझे दूसरा देंगे। अब मैं चढ़ रहा हूँ तुझे चाय नहीं मिलेगी किसी कीमत पे। अब चाय सॉरी चिढ़ रहा है भाई। आप जैसी फाइव के हो कल रास्ते कह रहे चिढ़ रहा है। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। नहीं चिढ़ नहीं रहा वो, कभी जैसे चिढ़ता नहीं है। फिर दो जोड़ी कपड़े आ जाए कपड़ों में भी नहीं चिढ़ता। अरे कपड़ों की बात किनते कर रही है मम्मी कपड़ा की बात कर दी। मेरे दो जोड़ी जूतन में तेरे 16 जोड़ी कपड़ा आया। सुन सही बोलिए, गलत बोली वाली बात सही बोलिए ना। इसे इधर देखा, इसे मलाई कहूँ या पराठा, ये मलाई है हमारे दूध की दोस्तों। ऐसी आनी चाहिए, सही रहता है, बढ़िया दूध की मलाई है ये। इससे पता पड़ता है कि दूध अच्छा आ रहा है, इससे पता पड़ता है कि दूध में लेने मैं खाना गया था और उनकी बातों में मैं ये बोलेगा कि मैं खाना लेने आया था। मेरे लिए पकौड़ी रख देना, मैं रोटी खाऊंगा पकौड़ी ज्यादा खाऊंगा तो मैं खाऊंगा गाइस एक रोटी, क्योंकि मेरा एक रोटी खाने का मन कर रहा है। रात मैंने तोराई की सब्जी बिगाड़ दी थी थोड़ी सी, तो मम्मी ने वही कटोरी में करके मेरे को दे दी, पहले इसको खत्म कर, इसलिए सब्जी बिगाड़नी नहीं चाहिए। का पकौड़ी ना ले, खाना लो ये यार, खाना खाने के लिए तो जगह दे दो। दीदी का व्रत है, नहीं तो सबसे पहला किस्सा वही खाती। ये देखो यहाँ बैठी हैं, पकौड़ी का इंतजार कर रही हैं कि कब इनकी पकौड़ी बने। सबसे अच्छा काम तेने लल्ली जी करो कि तेने पकौड़ी के संग चाय बना दी। तो तेल थोड़ी बनाई है, तू तेज जा अपने ट्यूशन। हाँ जाऊंगो। और ये भी आ गई खाना मांगने के लिए, 5वीं अपना खाना खाओ सु ले। अरे गोला रखो सिम्मी को ले, गोला भाई सिम्मी को गोला बहुत पसंद है। मैं लेने आ गया हूँ पकौड़ी, मम्मी जल्दी से दे देना कटोरी वाली, कहाँ गई? मैं निकाल के मम्मी ने पहले ही रख दी है। अपने इधर प्लेट तो इधर कर ले, देख ले काऊ रखो है, पलट दो। और मेरी चाय बेटा, और मम्मी एक पकौड़ी और रख दो यार, कम मैंने एक बस एक रख दो, एक और कहा यार।
बस बहुत है। नहीं पकौड़ी ना मुझे बेसन वाली पकौड़ी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। और दीदी भी अपनी प्लेट लेके आ चुकी है, खा के बताओ कैसी बनाई है मम्मी ने। और ये दीदी के कहने पे बनी है जितनी भी बनी है। ओ तुमने चटनी ना यार, नहीं चटनी भी रख दो हमारे में, लो चटनी रखो। ऐसी बात कैसे कर दी तुमने, अपने यहाँ का चटनी ना रख रहे, रख दो एक थोड़ी साइड में, बस बहुत है। हाँ अब खा पी के रेडी होता हूँ कोचिंग निकलने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 3:40। पैसे ले जाइयो अतरौली वाली दुकान से, फूटू काटा ले हूं कोचिंग निकलने के लिए और मिलता हूँ कोचिंग से आने के बाद। और भाई हाँ अब मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैंने लगा ली है तो सनस्क्रीन लगा ली है और आज मौसम जो है तेज धूप हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं फुल बाजू की पहन के नहीं जा रहा। अगर मौसम अगर ठंडा हुआ तो कल से पहन के जाऊंगा फुल बाजू। कोचिंग पढ़कर घर पर, और भाई आज कोचिंग में जो सर ने सवाल बताए अच्छे तरीके से समझ में आए मम्मी आज मेरे को। और मेल है, और जो मतलब मेल है तो स्पेशल, और मतलब का ये बच्चा और कम डाउट वगैरह बेकार से हो उनके मतलब समझ में ना आ रहा हो तो उन्हें पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा क्लास में, अगर वो ना आएंगे तो अकेले मुझे पढ़ाएंगे। ना बड़ बढ़िया बात है, पढ़ोगे ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब चीज़ बढ़िया नज़र आएगी, और ना ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब बेकार ही है। और भाई मैं जैसे कोचिंग से आया मम्मी ने चाय बना के रख रखी थी और मम्मी कह रही अपनी वीडियो की एडिटिंग, मम्मी को एक चीज़ नहीं आनी थी वो मैंने बता दी क्योंकि मेरे को आती थी, फिर उसमें से आवाज़ गायब हो गई। हाँ उसमें से आवाज़ गायब हो गई, कछु बात भाई होगी तब हमारी आवाज़ गायब रह गई है। कोई बात ना आ जाएगी कैसे ना कैसे करके, तुम बीच से लगा दो। तुम बड़ी बदतमी हो जी, पागल कैमरा आता है तो साहब तेरे शरीफ बन जाए कर। देख बन गई, समझ गई, देख गुड जी। आते इसी ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग फैन ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा है ब्लॉग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।